अबे यार कितने मच्छर हो रहे हैं सिंचन भाई, कुछ कर भाई, मेरे को तो ये सोने भी नहीं देंगे भाई सही ढंग से। एक सेकंड यार, सुबह हो गई क्या? अरे हाँ गैस यार, सूरज भी निकल आया, उठना पड़ेगा यार। रात तो मैं काफी लेट सोया था इसलिए गैस अभी भी यार मेरे को नींद आ रही है, लेकिन ठीक है गैस, अब तो यार मेरे को उठना पड़ेगा क्योंकि गैस सुबह 7 बजे भाई मेरे को ऑफिस के लिए भी निकलना है और अभी गैस जस्ट 6 बज रहे हैं। कोई टेंशन नहीं गैस, अभी तो मेरे पास काफी टाइम है। और वैसे भी गैस यार मैं सही टाइम पे उठ गया, मुझे लग नहीं रहा था भाई मैं इतनी जल्दी उठ जाऊंगा। अब बात सबके लिए, आज तो बात सब तो काफी लेट उठा है, वरना तो बात सबके तो सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता है। अबे चौप में रात भाई काफी लेट सोया था और ये सिंचन का बच्चा कहाँ चल गया भाई, दिख नहीं रहा। चलो गए थोड़ी वॉकिंग कर लेते हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। ये क्या है भाई, मेरे घर के सामने गए थे गाड़ी का भाई एक्सीडेंट हो रखा है और भाई ये तो काफी गंदा एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब गैस ये गाड़ी भाई काफी तेज स्पीड से आई है उस साइड से और आके गैस इस पेड़ पे टकराई है। और एक बार लुक तो चेक करो भाई इस कार की कैसी बन चुकी है। और ये है गैस एक एसयूवी कार जो कि ऑडी है। हाँ गैस ऑडी है, एक सेकंड में चेक करता हूँ ये अनलॉक है क्या। अरे ये तो अनलॉक भी है, स्टार्ट होगी की भी है गैस इसमें और ये स्टार्ट हो गई है लेकिन चलने की हालत में गैस बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं कहाँ फंस गया है। और ये तो चल गई भाई, फंस रखी थी गाड़ी की कंडीशन गैस काफी बेकार है लेकिन भाई ये स्टार्ट है, ये काफी अच्छी बात है। अगर गैस से रिपेयर करा जाए ना तो ये कार भाई चलने की कंडीशन में हो जाएगी, लेकिन पता नहीं गैस किसकी गाड़ी है। बस मैं तो गैस ये प्रे करता हूँ भाई जो भी बंदा इसको ड्राइव कर रहा हो भाई वो एकदम सेफ हो, हॉस्पिटल के अंदर होगा गैस वो इस टाइम तो। और लेकिन ये रात के भाई कितने बजे एक्सीडेंट हुआ है ये कैसे पता लगेगा? आई थिंक भाई मैं गलत हूँ गैस, मैं पहले सोच रहा था गैस ये जो अपनी कार है ना ये आई होगी सामने रोड से और आके डायरेक्ट भाई इस पेड़ से टकराई होगी, लेकिन गैस टायर के निशान तो कुछ और कहते हैं। टायर के निशान गैस ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर ये अभी मैं गाड़ी लेके आया हूँ। हाँ गैस ये तो मैं अभी लेके आया हूँ, लेकिन पहले के टायर भी तो है गैस जो की ऊपर को जा रहे हैं। अरे पता नहीं गैस कब एक्सीडेंट हुआ है, मेरे को गैस सीसीटीवी कैमरा यार फुटेज निकलवानी होगी, जब जाके पता लगेगा भाई ये गाड़ी आई कहाँ से थी और कितनी भाई इसकी स्पीड थी जिससे गैस इसका एक्सीडेंट हो गया। और गैस मुझे लगता है भाई अभी ना किसी ने पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करी है तो गैस इसलिए यहाँ पर पुलिस भी नहीं है। अभी गैस एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्लैक जेसीबी से और जाकर भाई पुलिस कंप्लेंट करके आता हूँ। गैस आपको पता है मेरे पास ना बाइक है ना गाड़ी है, जस्ट गैस एक जेसीबी है। अब मेरे को जहाँ भी जाना होता है गैस मैं अपने जेसीबी को लेके जाता हूँ। और तो भाई इसकी कब से गंदी बात यह है कि भाई इसमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, पता नहीं गैस मैं कभी जाकर पहुंचूंगा यार पुलिस स्टेशन। एक काम करते हैं, एक सेकंड ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी तो जस्ट गैस मैं अपने घर की तरफ गया हूँ, लेकिन इतनी देर के अंदर गैस वो गाड़ी कहाँ गायब होगी भाई? जस्ट मैंने यहीं पे तो खड़ी करी थी यार, उसको वो गायब कैसे हो सकती है? इसका मतलब गैस यहीं पर आसपास कोई ना कोई तो है। हेलो भाई कौन है यार, कहीं वही बंदा तो नहीं भाई जिसका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन गाड़ी कहाँ जा सकती है भाई? अभी तो गैस 1-2 सेकंड की बात है, मैं जस्ट अपने जेसीबी तक गया हूँ और दोबारा गैस यहाँ पर आके देखता हूँ तो भाई गाड़ी गायब, भाई पक्का कोई ना कोई तो है। और भाई इतना मैं दावा कर सकता हूँ कि भाई वो अभी गाड़ी लेके यहाँ से गया नहीं होगा, अगर जाता तो गाइस टायर के निशान आ जाते। देखो मेरी गाड़ी गैस यहाँ पर खड़ी थी ठीक है, और टायर के निशान भाई ना तो ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे, तो गाड़ी कहाँ गई भाई, गायब होगी क्या? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, गाड़ी कैसे गायब हो सकती है यार, सोचने वाली बात है यार। अब तो गैस पुलिस कंप्लेन करवानी पड़ेगी भाई। अरे अब तो मेरी हालत मेरे को काफी अच्छी लग रही है, रात तो मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी और मेरे शरीर पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, लेकिन शुक्र मानो उस बंदे का जिसने मेरे को देख लिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ इस गली के अंदर, उसने फटाफट से अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और ले गया हॉस्पिटल। उन्होंने मेरे को ठीक तो कर दिया लेकिन उन्होंने बोलता 5 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में रहना है, लेकिन मेरी प्यारी गाड़ी यहीं पर थी। अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई, यही पेड़ पर तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था लेकिन गाड़ी तो दिखी नहीं रही। अरे गाड़ी कहाँ गई, अरे ये है क्या चोर, अरे यहाँ पर बैठा है कोई, ओ भाई यहाँ तूने मेरी गाड़ी देखी, मेरी गाड़ी का यही रात एक्सीडेंट हुआ था। एक सेकंड ये कौन बंदा आ गया भाई, भाई तेरी गाड़ी थी क्या वो? अरे हाँ मेरी गाड़ी थी और मेरा ही एक्सीडेंट हुआ भाई, लेकिन गाड़ी कहाँ गई भाई तुम्हें पता है क्या? भाई मैं तुझे क्या बताऊँ भाई, तेरी गाड़ी मैंने यहाँ पर जस्ट देखी थी और मैंने उसको ड्राइव भी करके देखा लेकिन भाई वो गायब हो गई, और तू उसका सच में असली ओनर है क्या? लेकिन भाई तेरी कंडीशन को मेरे को काफी बढ़िया लग रही है, और उस गाड़ी की कंडीशन देख के गाइस ऐसा लग रहा था कि भाई उसके अंदर जो भी बैठा होगा उसकी हालत काफी खराब होगी। नहीं भाई तेरी गाड़ी वो हो ही नहीं सकती। भाई मेरी गाड़ी है, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ एक बंदे की बाइक लेके, समझ रहा है? जल्दी से भाई मेरी गाड़ी दे दे तू। अबे मैं कहाँ से दे दूँ भाई, मेरे पास नहीं है तेरी गाड़ी वाड़ी, और वैसे भी यार अभी मैं पुलिस स्टेशन जाने वाला था, समझ रहा है ना, तेरी कंप्लेन लिखवाने के लिए। लेकिन अच्छी बात है भाई तू यहाँ पर आ गया, अब एक काम कर तू फटाफट से अपनी बाइक लेके जा और यहाँ पर पुलिस वालों को लेके आ, समझ रहा है? और यहाँ पर जितने भी भाई हमारी गली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लग रहे हैं ना उनकी फुटेज निकलवा, और एक बार ये चेक कर आखिरकार भाई तेरी गाड़ी जा तो जा कहाँ सकती है भाई, मेरे भी समझ नहीं आ रहा गाइस कैसे गायब हो गई यार वो। अरे इसका मतलब तो वो हमारी प्यारी गाड़ी चोरी हो गई, इसका मतलब तो यही है ना भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे भी यार वो गाड़ी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी भाई,
भाई, उसे तो चला ही नहीं पता। अरे मेरी प्यारी गाड़ी है, मुझे पापा जी ने बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। चलो अब आप साइड हट जाओ। ओ, भाई देख के चला ले अपनी बाइक को, जाना पड़ेगा और पुलिस वालों को बुला के लाता हूँ। और यहाँ पर देखूंगा सीसीटीवी कैमरा चेक करा के किसने मेरी गाड़ी चोरी करी है। कहीं इसी बंदे ने तो चोरी नहीं करी जो जेसीबी के पास खड़ा था। अब तो पुलिस वाले पता लगाएंगे कौन चोर है। अरे गाइस यार, अब तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फ्रैंकल भैया यार सही कहते थे यार, जहाँ भी जाए तो अपने दोस्तों को साथ लेके जाइयो। लेकिन गाइस आज सुबह सुबह यार वॉकिंग के लिए मैं यार अकेला निकल गया अपनी इस कार से। और गाइस आपको पता है मेरे साथ यार एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। अरे लगता है फ्रैंकल भैया ये रे यार। चलो अच्छी बात है फ्रैंकल भैया मिल गए। ओ फ्रैंकल भैया जल्दी चलो। ओए सिंचन के बच्चे, भाई क्या कर रहा है तू, आराम से चला ले। और तू कहां गया था? अरे फ्रैंकल भैया तुम्हें पता है एक बहुत बड़ा हादसा हो गया यार मेरे साथ। अभी फ्रैंकल भैया यार मैंने यार समुद्र की तरफ गया था जो कि हमारे घर के जस्ट पीछे। वहां पर फ्रैंकल भैया एक ना बहुत खतरनाक यार पेड़ है और उसने मेरे से बात करी। क्या बोल रहा है सिंचन? पेड़ ने तेरे से बात करी और क्या? प्लीज फ्रैंकल भैया तुम मेरे साथ चलो। उसने बोला फ्रैंकल भैया यहाँ पर तुम क्या करने आए हो? मैंने बोला कि कौन है? तो फ्रैंकल भैया उसने बोला कि मैं पेड़ बात कर रहा हूँ। अबे नहीं सिंचन, ऐसा नहीं हो सकता यार। पक्का सिंचन पेड़ के ऊपर कोई बैठा होगा और उसने सिंचन तेरे से बात करी होगी। अरे नहीं फ्रैंकल भैया यार, वो पेड़ ही था। फ्रैंकल भैया उसने मेरे बारे में बताया कि मैं स्कूल में यार पास हो जाऊंगा। क्या मतलब सिंचन भाई, उसने तेरे से ये बोला कि भाई तू स्कूल में पास होगा? हाँ फ्रैंकल भैया कल मैंने टेस्ट दिया था ना अपने स्कूल के अंदर, तो फ्रैंकल भैया टेस्ट के मार्क्स मिलने वाले थे, तो उसने बोला कि यार मैं उसमें पास होऊंगा टेस्ट में। लेकिन सिंचन पेड़ को कैसे पता लगा कि भाई तू टेस्ट में पास होगा? और पक्का गाइस यार कोई बंदा ही होगा पेड़ पे। अरे फ्रैंकल भैया जब मैं चारों तरफ देखने लग गया ना, जब वो पेड़ बोला कि मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूँ, उसके बाद मैंने बोला बताओ मेरा भविष्य, तो उसने बताया कि आज मैं टेस्ट में जरूर पास होऊंगा स्कूल में। तो फ्रैंकल भैया यार मैं फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और तुरंत तुम्हारे पास आ गया यार, और मेरे को काफी डर लग रहा है। अबे चल सिंचन तू मेरे को लेके चल भाई एक बार वहां पर, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा पेड़ है जो भाई बात करता है। वैसे तो सिंचन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिंचन अपने लॉस एंटोस के अंदर भाई ऐसा कोई पेड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी सिंचन तू बोल रहा है तो मैं चल ही लेता हूँ तेरे साथ। और फ्रैंकल भैया मेरे अंदर बैठ गया बहुत ज्यादा डर। अब मैं नहीं जाने वाला स्कूल, समझ रहे हो? आज की मेरी स्कूल की छुट्टी करा दो। और ये जो बगल में तुम यार नदी देख रहे हो, यही नदी है वो, और सामने की तरफ से जो गेट है ना वहां से एंट्री मार लेना, फिर देखो मैं दिखाता हूँ तुमको उस पेड़ को। और सिंचन तुझे पता है भाई, सुबह ही सुबह सिंचन मेरे साथ भी एक छोटा सा हादसा हो गया। सिंचन भाई जैसे मैं घर से बाहर निकला ना, मैंने देखा कि सिंचन भाई एक गाड़ी है जिसका सिंचन काफी गंदी तरीके से भाई एक्सीडेंट हो रखा है। उसको सिंचन मैंने ड्राइव भी करा, उसके बाद सिंचन भाई वो गायब हो गई यार अचानक से। तो सिंचन जब घर से बाहर निकला था तूने ऐसी कोई गाड़ी देखी? अरे नहीं मैंने तो नहीं देखी घर के बाहर गाड़ी। अबे सिंचन तूने नहीं देखी? अरे पर तुम जाकर आ रहे हो पीछे है पेड़। अच्छा ये है क्या पेड़? तो तेरा कहना है कि सिंचन इस पेड़ ने तेरे से बात करी है? और क्या फ्रैंकल भैया इसने मेरे से बातें करी है? वैसे तो गाइस काफी डरावना पेड़ लग रहा है। और एक सेकंड यार, ये पानी के अंदर से बाहर निकल रहा है क्या? काफी अलग ही पेड़ है यार ये तो। और ये एरिया भी काफी सुनसान लग रहा है मेरे को। लेकिन सिंचन का बच्चा यहाँ पर अकेले कर क्या रहा था? बता सिंचन तू यहाँ क्या करने आया था? अरे कुछ नहीं, मैं यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए आया था और अचानक से ये पेड़ मेरे से फिर बातें करने लग गया। वैसे देखा जाए तो गाइस इसके ऊपर काफी ज्यादा स्पेस है, कोई बंदा अगर चढ़ना चाहे तो इजीली गाइस इसके ऊपर चढ़ सकता है और बैठ भी सकता है। तो रुक सिंचन भाई, इस पेड़ से मैं बात करके देखता हूँ। हेलो पेड़ भैया, मेरे से बात करोगे क्या तुम? अरे ले सिंचन के बच्चे, कहाँ बोल रहा है ये कुछ? अरे इसका मतलब हमको रात को आना होगा। अबे चल सिंचन तू क्या पागल बना रहा है, और वैसे भी इतनी हॉन्टेड लोकेशन पे मैं तो रात को नहीं आने वाला भाई। भाई काफी डरावनी जगह है गाइस ये। और बोला जाता है गाइस ये जो पानी है ना, ये पानी भाई काफी काफी ज्यादा गहरा है। अगर गलती से कोई इसके अंदर गया ना तो भाई डूब ही जाएगा, बच के आ ही नहीं पाएगा। अरे लेकिन तुमको तो स्विमिंग आती है ना? हाँ मेरे को आती है, तेरे को तो नहीं आती। और फ्रैंकल भाई तुम भी कुछ बता रहे थे कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। हाँ सिंचन यार एक गाड़ी थी जो कि सिंचन अचानक से भाई गायब हो गई। ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हाँ सिंचन वैसे गायब तो नहीं हुई, पक्का यार उसको कोई लेकर ही गया होगा। चलो तो ठीक है फ्रैंकल भाई यार, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ यार मूवी देखने के लिए। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, समझ रहे ना? ओए सिंचन लेकिन किस खुशी में आज तू स्कूल नहीं जाएगा? अरे क्योंकि फ्रैंकल भाई स्पीड ने मेरे से बात करी। मेरे को तो लगता है सिंचन भाई तू ना मेरे से मजाक कर रहा है ताकि सिंचन मैं तेरी स्कूल की छुट्टी करा सकूं। हैं बेटे मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ। अरे नहीं यार मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। आज मैं जाऊंगा गाइस सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए। चलो चलाओ फ्रैंकल भाई गाड़ी को। यार बताओ यार मेरे पास गाइस ना तो बाइक है नई गाड़ी है, लेकिन गाइस मैंने अपने छोटे भाई सिंचन को एक टॉय वाली कार दिला रखी है, जिससे गाइस सिंचन को जहाँ जाना होता है भाई ये इससे इजीली चले जाता है। बच्चों मेरी बात मानोगे क्या? एक एक सेकंड सिंचन ये आवाज कहाँ से आई? अरे यही तो आवाज थी फ्रैंकल भैया, देखो पेड़ बोला। अरे सिंचन ये आवाज कहाँ से आई? रुक सिंचन, अरे यार आज तो मैं अपनी गन भी भाई घर पे भूल गया। हेलो पेड़ भाई आप ही बात कर रहे हो क्या? मेरी बात मानोगे क्या एक, और मैं पेड़ ही बात कर रहा हूँ। ये बच्चा सच में अपने बड़े भाई को बुला ही लिया। अरे हाँ पेड़ भैया मैंने आपसे बोला था ना मैं फ्रैंकल भैया को बुला के ला रहा, और मैं डर के भागा। तू डर के भागा? अरे लेकिन ये पेड़ कैसे बोल सकता है भाई? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है यार इसके
ऊपर कोई है क्या? नहीं गैस यार, ये पेड़ ही बात कर रहा है भाई, इसके हर एक लकड़ी के अंदर से गैस आवाज आ रही है भाई मेरे को। मैं तुम्हारा हर एक भविष्य बता सकता हूँ आने वाले वक्त का, बस तुम बच्चों एक काम करोगे क्या मेरा? ओए भाई, तू कौन सा भविष्य बता सकता है हमारा? बताइयो जरा मेरा आने वाला भविष्य बताइयो। मैं तेरा भविष्य और तेरे बारे में बताता हूँ। तेरा घर 2 मंजिल का है और उसके अंदर 2-2 टीवी लगी है, जो एक नई कली टीवी आई है। अरे हाँ यार सिंचन, कल तो भाई माइकल हमारे घर में एक न्यू टीवी लेके आया है रिफ्रेंगल में, लेकिन इसे कैसे पता लगा? भाई ये तो गैस काफी ओपी पेड़ है यार, इसके ऊपर कोई भी नहीं है यार, मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, एक चिड़िया तक नहीं बैठी यार इस पे। बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बदले में जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या? जो चाहिए वो दे सकते हो, लेकिन कैसे? अभी तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ये बताओ। भाई सिंचन बताइयो क्या चाहिए इस पेड़ से? अरे भैया, अगर तुम्हारे ऊपर यार पेड़ पर कोई आम वगैरह लगे होते ना, तो हम तो यार वो तोड़ के खा लेते, लेकिन अभी आप हमको क्या ही दे सकते हो? ये लो, ये मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है, फ्रेंगल बैग गाड़ी। अरे नहीं सिंचन, नहीं भाई, ये पेड़ ने लिए क्या ये गाड़ी हमको? लेकिन ये आई कहाँ से? ये जमीन के अंदर से आई है क्या सिंचन? अरे लगता है पानी के अंदर से आई है। ये कहीं से भी आई हो उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है, बस तुम इतना समझ लो। अब बच्चों मेरी बात तुम सुनो, अगर तुम बच्चों माउंट चिलियट के जंगल में गए और वहाँ जाके टोनी बाबा को यहाँ लेकर आ गए, तो मैं तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करूंगा। सिंचन भाई ये पेड़ तो काफी कमाल का है। भाई सिंचन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सिंचन किसी बंदे को सिंचन शराब दिया है किसी बाबा ने, और उसके बाद सिंचन उस बंदे को यार पेड़ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और उसके अंदर सिंचन काफी पावर होंगी भाई उस बंदे के अंदर। अरे हाँ फ्रेंगल भाई, मुझे भी कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है, लेट्स गो। तो सिंचन इससे बातें करके देखते हैं भाई आप हमारे लिए और क्या क्या कर सकते हो। पहले तुम माउंट चिलियट के एक बार जंगल में जाओ और वहाँ पर से टोनी बाबा को यहाँ पर बुला के लाओ, बस तुम मेरी इतनी हेल्प कर दो, मैं उसके बाद तुम्हें जो चाहिए वो ला कर दे सकता हूँ। बढ़िया भाई बढ़िया। भाई लेकिन आप जाओगे तो नहीं? मैं यहाँ पूरे के पूरे 100 साल से हूँ और अब मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, समझ रहे हो, तो मैं कहीं जा सकता हूँ? हाँ यार सिंपल सी बात है, सिंचन के पैर थोड़े हैं जो ये कहीं जाएंगे, तो आप टेंशन मत लो, हम अभी जा ही रहे हैं भाई और लेके आते हैं भाई माउंट चिलियट के जंगल से कोई टोनी बाबा को। लेकिन सिंचन हम निकल तो चुके हैं भाई, वो टोनी बाबा कहाँ मिलेंगे? अरे फ्रेंगल भैया जंगल में पहुंचे तो सही, फिर वहाँ पर हमको कोई बंदा मिलेगा ना, उससे पूछेंगे टोनी बाबा के बारे में। भाई साहब सिंचन यार, आज तो हमको सिंचन सुबह सुबह काफी अलग ही चीज देखने को मिल गई। सिंचन तूने सोचा था कभी सिंचन हमको ऐसी चीज देखने को मिलेगी? अरे मैंने तो फ्रेंगल भैया कभी सोचा नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन ये कौन है यार? अरे भाई क्या चाहते हो भाई, मेरे पीछे पीछे क्यों लगा रहे हो अपनी गाड़ी को? भाई आज सिंचन मजा ही आ गया गाइस, इस बंदे ने हमको 2 सीटर गाड़ दी है, बंदा नहीं बोलेंगे गाइस उसको, पेड़ बोलेंगे। अरे हाँ तुम यार उसको खाली पीली बंदा ही बोल रहे हो। वैसे सिंचन भाई ये जो कार है जिसके अंदर अभी हम बैठे हैं, ये सिंचन एक काफी ओल्ड मॉडल कार है, आई थिंक इसे लैम्बोर्गिनी कह सकते हैं क्या? क्या पता फ्रेंगल भाई ये लैम्बोर्गिनी की कोई ओल्ड मॉडल कार हो, जो कुछ भी हो सिंचन चलने में तो काफी बढ़िया ही लग रही है, लेकिन गाइस पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ चुके हैं। और वैसे फ्रेंगल भाई यार आज तक तुम्हारी और मेरी यार दोनों की छुट्टी होगी, देखो मेरी होगी स्कूल की छुट्टी और तुम्हारी होगी ऑफिस की छुट्टी। अबे सिंचन भाई अब ऑफिस जाके मैं क्या ही करूंगा? सिंचन तुझे पता नहीं है भाई, ये पेड़ हमको सच में अमीर बना सकता है, जब सिंचन ये हमको गाड़ी लाकर दे सकता है कहीं से, तो भाई हम इसे जो मांगे यार ये वो भी दे ही सकता है। जैसे कि सिंचन भाई मेरा एक बैग है, जो कि सिंचन काफी पहले खो गया था, मगर मैं इससे बोलूं भाई वो पुराना बैग यार मेरे को ला के दे दे, सिंचन भाई ये ला भी सकता है। सो सिंचन हम कितने अमीर हो सकते हैं भाई। अरे फिर तो मैं तो इससे डायरेक्ट बोलूंगा कि भाई तू मेरे को 100 करोड़ रुपए दे दे, और फिर देखो यार 100 करोड़ रुपए आके मैं तो राजा बन जाऊंगा। नहीं सिंचन भाई, 100 करोड़ में कहां तू राजा बनेगा, लॉस एंड टॉस के अंदर सिंचन काफी लोग है जो कि भाई काफी ज्यादा करोड़पति है, समझ रहा है, बहुत ज्यादा अमीर है वो। अरे तो आज देखना फ्रेंगल भैया, आज हम बहुत ज्यादा अमीरी हो जाएंगे। लेकिन सिंचन पहले यार उस जंगल में तो पहुंच जाए, और जंगल में पहुंचने के बाद सिंचन हमारा ये टास्क रहेगा कि भाई हमको कोई टोनी बाबा को ढूंढना है, और उस जंगल के अंदर ये सिंचन हमको कोई मिलेगा जो यार टोनी बाबा का पता बता सकेगा, वो तो गाइस हमको जंगल जाकर ही पता लगेगा। और गाइस यार जब तक यार हम अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, आप लोग गाइस जब तक यार वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, कर दो यार फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक। अरे हाँ गाइस आप तो मेरे प्यारे वाले दोस्त है, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक कर दो। तो उस बंदे का ये कहना है कि उसकी गाड़ी रात को ठीक 12 बजे यहाँ पर आके टकराई इस पेड़ पे, उसके बाद रात को जब वो हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल से जब वो इस लोकेशन पे आता है, तो उसको यहाँ एक बंदा मिलता है जो कि बोलता है उसकी बाइक हो गई चोरी। अरे बॉस बाइक नहीं बॉस, वो बोला था गाड़ी। अरे हाँ हाँ गाड़ी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये ही होता है कि उस बंदे ने ही वो गाड़ी चुराई है, और उसका घर ये वाला बताया था ना उसने। अरे बॉस उसे पकड़ लाओ ना, वो कहाँ चले गया? अरे वो पता नहीं कहाँ चले गया, कह रहा भूखा हूँ भूखा, खाना खाने चले गया जिसका रात एक्सीडेंट हुआ था। आ जा फटाफट से पक्का, फिर वो ही बंदा
बंदा है, इसने ही गाड़ी चुराई होगी। देखे तो सही घर में कहाँ है। ओ भासब भासब कौन रे, कौन घुस गया भासब घर में मेरे होते हुए? भासब कलवा नहीं है तो भासब कोई भी आरा गहरा घर में घुसेगा क्या? ए कुत्ते, तुझे पता है मेरे हाथ में क्या है? चला तो ही तेरी खोपड़ी ब्लास्ट कर दूंगा, गन है। ये बता तेरा बॉस कहाँ है? ओ भासब बॉस ना बोल भासब, वो मेरा कलवा है भासब, समझ रहा? घर पे कोई नहीं है, कल आना। हो कौन भासब तुम? अरे मेरे हाथ में गन है, समझ रहा है? माता फोड़ूंगा। क्या बोला भासब? बस तू एक और बार बोल दे माता फोड़ूंगा, अभी भासब तेरे पैर को देता हूँ। मेरे घर में आके भासब मेरे को ही धमकी दे रहा है। अरे कुत्ते तेरा माथा, ये ले भासब माथा ही माथा कर रहा है। भासब तेरा माथे को मैं फोड़ूंगा। अरे बचा, अरे काले कोट वाले चेले बचा ले, उधेड़ दे पैर। हाँ भासब तू बोलेगा, क्योंकि तू बोलेगा ले ले भासब तुझे भी उधेड़ दूंगा, फटाफट से निकल जाओ। भासब देखो तो सही आखिरकार क्या बात हो गई जो भासब ये मेरे घर के अंदर घुस रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी मैं सिंचन यार माउंट चिलियट के जंगल के अंदर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन गाइस हमको यहाँ पर भाई कोई भी मिल ही नहीं रहा। तुझे क्या लगता है सिंचन कोई दिखाई देगा? अरे मुझे लगता है फ्रेंगल पे जब जंगल के अंदर पहुंचेंगे ना जब कोई दिखाई देगा। अबे सिंचन अभी तो जस्ट हमने भाई जंगल के अंदर एंट्री मारी है, सोच भाई जब यहाँ पर कोई नहीं मिला तो अंदर कौन ही मिलेगा। और गाइस एक बार हमारी गाड़ी की हालत देखो भाई, कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और यहाँ पर गाइस बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी जिसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन सामने एक प्लेन है। अरे वो प्लेन है फ्रेंगल पे। अबे सॉरी सिंचन, वो एक हेलीकॉप्टर भाई, गलती हो जाती है यार, तू माफ क्यों नहीं कर देता? अरे चलो ठीक है, माफ कर दिया तुमको। लेट्स गो गाइस, पूछते हैं आखिरकार ये बंदा बाबा को जानता है। हेलो सर, एक्सक्यूज मी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो क्या? ए कौन है, साइड जट जा, अभी उड़ेगा ये बेटा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा ना, तू नीचे गिरेगा। भाई आप एक बाबा को जानते हो? अरे मैं नहीं जानता किसी बाबा को, मेरे बॉस आ रहे हैं यहाँ पर, चले जाए यहाँ से। अबे मुझे पता था भाई ये काफी घमंडी होगा। और जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा ये है घमंडी, लेकिन सिंचन तू कहाँ चले गया? सिंचन के बच्चे भाई से बोला था यार जंगल के अंदर कहीं निकलिए मत, लेकिन ये चले कहाँ गया? अबे सिंचन के बच्चे कहाँ है भाई तू? नीचे भाई पानी देखना कितना बढ़िया लग रहा है यार यहाँ से देखने में, लेकिन एक सेकंड भाई वहाँ पर भी कुछ लोग है भाई, दो तीन लोग है नीचे, तो आई थिंक नीचे चले गया। लेकिन पहले सिंचन को तो ढूंढ लो, ये कहाँ चले गया बिना बताए चले जाता है ना। एक तो गाइस ओए सिंचन के बच्चे कहाँ है भाई तू? हेलो, अरे हिरन भाई वो बाबा है यार, उन्होंने लाल कलर का कपड़ा पहना होगा मेरे ख्याल से, या तू बता उन्होंने कौन सा कलर का कपड़ा पहना होगा? अरे बता भी दे यार वो बाबा हमको कहाँ मिलेंगे। चल उनका नाम भी बता देता हूँ मैं तेरे को, उनका नाम है टॉनी बाबा, बता दे यार। अरे गाइस यहाँ पर एक हिरन तो मिला मेरे को, ये तो लेकिन कुछ बोल ही नहीं रहा। गाइस जंगल के अंदर जब हमको इंसान नहीं मिले तो कम से कम जानवर तो मिल ही रहे, इनसे पूछते हुए चलते हैं, क्या पता यार इनको पता हो बाबा के बारे में। लेकिन मुझे पता है गाइस ये तो बोल ही नहीं सकते। वैसे ये हिरन काफी क्यूट है यार, ये देखो ना गाइस मेरे से डर के भी नहीं भाग रहा है। अभी मैंने नीचे कुछ देखा गाइस, नीचे तो लड़के जा रहे हैं कुछ। ओ भैया रुक जाओ, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अंकल सुन भी लो यार मेरी बात, लगता है मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन यार फ्रेंगल बैग तो पीछे रह गए, एक हिरन नीचे। अरे हिरन भाई तुम इससे डर क्यों नहीं रहा? अरे लेकिन ये तो डर रहा है। अरे अंकल रुक जाओ यार, पानी के अंदर डूब के गाइस मैं तो आ गया, पहुंच गया। अंकल 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 आपसे बात पूछ रहा। अरे रे कौन है रे? अरे कितनी तेज मार रहा है इस बच्चे ने, पिटेगा क्या मेरे हाथ से? ये ले लात का है मेरे को मार रहा है। एक तो भाई तेरे से कुछ पूछ रहा है, ऊपर से लड़ाई कर रहा है, और इसका साथी तो गाइस बड़ी गंदी तरीके से भाग गया। अबे रुक जा मेरे छोटे भाई, सिंचन में आ रहा हूं। गाइस अभी अभी जस्ट मैंने देखा भाई सिंचन की लड़ाई हो रही है यार नीचे। लेकिन भाई ये गाड़ी नीचे ले जानी सेफ रहेगी क्या? ले जाता हूं गाइस, जो होगा देखा जाएगा। इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे होते मेरे छोटे भाई सिंचन को मार रहा है। अरे भाई फंस मत जियो, गाड़ी फंस मत जियो, फंस गई भाई फंस गई। अबे रुक भाई रुक, आ रहा हूं बाहर। अरे रुक, तेरी अभी टांग ही तोड़ूंगा, तेरी हिम्मत कैसी है मुझे मारने की? अबे रुक जा सिंचन, मैं आ रहा हूं भाई, तू इसे संभाल। अरे बच्चे तेरी खोपड़ी आज मैं तोड़ूंगा, ले तोड़ के दिखा। ये ले मेरे छोटे भाई को मार। अरे तू कौन है, पिटेगा क्या मेरा से? ये भी ले। अच्छा भाई बच रहा है तू मेरे से? अरे इसके अंदर तो सिंचन काफी दम लग रहा है। अरे तुम साइड हट, इसको मैं संभालूंगा, इससे फ्रेंगल पे बस पूछ ही तो रहा था, और मैंने पूछा भी नहीं, एकदम से मेरी लात मारी इसने। ये ले मेरे छोटे भाई के लात मारेगा, है छोटे भाई के लात मारेगा। आज बेटे मैंने तेरी गुद्दी चटकाई, समझ रहा है ना? इस जंगल में भाई अभी हम नए आए हैं, और तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बच्चे पे तूने हाथ उठाया? अरे तुम हटे तो सही साइड में, इसे मैं संभालूंगा फ्रेंगल पे। अबे सिंचन पीछे ही खड़ा हो जा। ये भी ले, तेरे चक्कर में मेरी गाड़ी है ना गाड़ी पानी के अंदर चलेगी, और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? अरे तो मेरे को क्यों शर्म आएगी, घाटा तो तेरा हुआ है ना, तेरी बाइक गई है पानी में, तो मैं क्यों शर्माऊं, ये बता तू? ये ले। अरे यार वैसे ये बहुत तगड़ा लग रहा है, मारेगा भाई। सॉरी, आज के बाद मैं बच्चे को मारूंगा, बच्चे सॉरी। अरे चल ठीक है, माफ करा, वैसे मेरा माफ करने का मन नहीं है। सॉरी भैया सॉरी, तुम में वैसे बहुत दम है, मेरे मुंह पे घूसे बजाए तुमने। चलो कम से कम इनकी गाड़ी तो पानी में फंस गई, मजा ही आ गया, अब निकलता हूं फटाफट से। यार मैं तो गाइस अब ये सोच रहा हूं भाई, हम इस जंगल के अंदर आ चुके हैं, और जो हमारी गाड़ी है गाइस वो पानी के अंदर फंस चुकी है, अब सिंचन हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? अरे यार हमारे पास तो साइकिल तक नहीं है। अबे सिंचन भाई कम से कम गाड़ी तो थी, इसके अंदर एसी भी था, एसी चला के हम मस्त घूम रहे थे, और भाई ये गाड़ी सिंचन के चक्कर में भाई पानी के अंदर चली गई। अरे मेरे चक्कर में क्यों गई? एक तो सिंचन तू मेरे बिना बताए भाई गायब हो गया, ठीक है, ऊपर से तूने लड़ाई करी। मैंने जैसी गाइस ऊपर से देखा ना भाई के सिंचन के नीचे
लड़ाई हुई है, तुरंत गए इस गाड़ी भाई मैंने कूदा दी बिना सोचे समझे, और गाड़ी फंस चुकी है भाई पानी के अंदर। अब गैस ये निकलेगी भी नहीं और ये चलेगी भी नहीं, क्योंकि गैस इसके इंजन विंजन सब के अंदर पानी वानी घुस गया होगा। तो क्या करें भाई, रुक सामने सिंचन दो बंदे आ रहे हैं, लेकिन ये तो पैदल है ना यार, हमको तो गाड़ी चाहिए, लेकिन कहाँ से मिलेगी? ऊपर हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर भाई हम ड्राइव कर नहीं सकते। अरे हाँ यार, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे तो हम आसमान में जाएंगे, जंगल में थोड़ी ना जाएंगे। क्या लगता है सिंचन, इन दोनों बंदों को पता होगा ये जो सामने से आ रहे हैं उस बाबा के बारे में? पूछने में गैस क्या जा रहा है, पूछ के देख लेते हैं। हेलो मैम, मैं आपसे एक जवाब पूछना चाहता हूँ, आप टोनी बाबा को जानते हो क्या? टोनी बाबा आई थिंक इसी जंगल में रहते हैं। अरे 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 भाई, भाग क्यों रहे हो? मैंने क्या बोल दिया आपसे ऐसा? वो तो भाई भाग गई एक लड़की, लेकिन सिंचन यहाँ पर एक और लड़की बची है। हेलो मैम, मेरे से आप डरो मत, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि भाई आप टोनी बाबा को जानती हो? वो इस जंगल के अंदर ही रहते हैं। अरे हाँ मैम, आप जानती होगी यार, मुझे लगता है सिंचन ये मेरे से डर रही है, देख रहा है डर रही है सिंचन। एक पहले भाग गई, दूसरी लड़की अब भाग गई, भाई गलत हुआ यार हमारे साथ। एक सेकंड सिंचन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पीछे से कुछ लोग और आ रहे हैं? हाँ गाइस, दो बंदे और आ रहे हैं, और नीचे की साइड कोई है क्या? अरे हाँ गाइस, साइकिल, अरे साइकिल बाइक दो दो दिख रही है भाई मेरे को, और नीचे दो बंदे भी दिख रहे हैं। चलो फाइनली गाइस, कम से कम भाई हमको जंगल के अंदर लोग तो मिल रहे हैं, डर बिल्कुल नहीं लग रहा मेरे को। हेलो साइकिल वाले भैया, आपसे मेरे को मतलब ही नहीं है, मेरे को तो बाइक चाहिए। सर आपकी बाइक है? अरे हाँ यार, हमारी बाइक है, थोड़ा रेस्ट लिया, हम क्या जंगलों में ड्राइव करने लगे ना तो रेस्ट ले रहे हैं। अरे भाई प्लीज, आप अपनी बाइक दिखा दोगे मेरे को? कौन सी बाइक? अरे जो खड़ी है, बाइक तो देख लो, लेकिन भैया क्यों देखोगे बाइक? अरे प्लीज भाई दिखा दो, मेरी जो गाड़ी है वो भाई पानी के अंदर चलेगी, तो आपकी बाइक से मैं जाऊंगा और गाड़ी को निकलवाने के लिए किसी को बुला के लाऊंगा। हम बुला रहे भैया पुलिस को, हमें लग रहा है तुम चोर हो, हमारी बाइक पे तुम चोरी करने आए हो ना हमारी बाइक को। अबे यार तेरी बाइक को मैं क्या ही करूंगा चोरी करके। वैसे ठीक है गाइस, सिंचन और मिल लिए तो, अरे फ्रेंगिल भाई उसकी नजर भी नहीं है, चलो लेके भाग जाते हैं। अब सिंचन हमारे पास ना कोई और ऑप्शन भी नहीं है, लेट्स गो सिंचन, बैठ तू फटाफट से। अरे बैठ गया, भागो फ्रेंगिल भाई, बाइक तो दे दो भैया। सिंचन भाई अब तो मेरी सारी की सारी टेंशन ही खत्म होगी, क्योंकि गाइस अब हमने को बाइक मिल चुकी है ना। पहले गाइस मेरे को ये टेंशन थी कि भाई हमको यहाँ पर कोई और व्हीकल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस अपनी गाड़ी तो गिर गई थी पानी में और उसको बाहर निकाला इम्पॉसिबल था। तो गाइस अब हमको ढूंढना है कोई बंदा जो हमको बता सके यार उस बाबा के बारे में, लेकिन मुझे लगता नहीं है यार कोई मिलेगा, मिलेगा तो गाइस उसे बाबा के बारे में पता नहीं होगा। तो गाइस अभी मीर को और सिंचन को यार इस जंगल के अंदर घूमते घूमते पूरा का पूरा यार एक घंटा हो चुका है, लेकिन गाइस पिछले एक घंटे से भाई हमको यहाँ पर बाबा तो मिले नहीं है, लेकिन गाइस यहाँ पर बंदे तो मिले हैं, लेकिन भाई किसी को भी उस बाबा के बारे में पता ही नहीं है। अरे फ्रेंगिल भी अभी हम कितने अंदर पहुंच चुके हैं? मुझे लगता है सिंचन अभी तो भाई हम जंगल के काफी अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी नहीं होंगे भाई बाबा। एक काम करते हैं सिंचन, दूसरी साइड चले क्या? अरे ऊपर चलो, ऊपर ऊपर चलते हैं, क्या पता ऊपर कोई मिल जाए। मुझे नहीं लगता सिंचन यहाँ पर कीचड़ वाली जगह पे हमको कोई मिलेगा, या फिर गैस अब हमको यार किसी को कॉल मिला लेना चाहिए। अरे लेकिन तुम तो बोले थे नेटवर्क नहीं आ रहे। अबे सिंचन क्या पता आ गए हो, एक बार मैं चेक कर लूं यहाँ पर रुक के। अरे वाह सिंचन भाई, नेटवर्क आ गए, दो नेटवर्क दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमको बंदा भी मिल गया। हेलो सर, क्या हाल है आपके? अरे बच्चे मुझे लिफ्ट दे दोगे क्या? लेकिन हमारी बाइक पे तो नहीं है आपके लिए जगह, आपको तो काफी मोटे हो। अरे मोटा हूं तो क्या हो गया, लिफ्ट दे दोगे तो सही रहूंगा, लेकिन चलो ठीक है मेरी जॉगिंग हो जाएगी बच्चों, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। जाओ तुम जहाँ जा रहे हो पहले हमारी एक हेल्प तो कर दो। मैं क्यों करूँ हेल्प, तुमने करी मेरी हेल्प, आओ बैठो यार तुम गाड़ी पे बैठो। अरे चलो बताओ क्या हेल्प करूँ मैं तुम्हारी। ये बताओ भाई टोनी बाबा कहाँ मिलेंगे हमको? टोनी बाबा? अरे टोनी बाबा के पास ही तो खड़े हो तुम। क्या तुम टोनी बाबा? अरे मैं टोनी बाबा नहीं हूँ, सामने चले जाओ, वो जो तुमको रेड रेड कुछ दिख रहा है वो टोनी बाबा का मंदिर है, वहाँ पर तुम जैसे ही पहुंचोगे टोनी बाबा तुमको मिल जाएंगे। अच्छा भाई हम टोनी बाबा के मंदिर के पास ही है क्या? भाई मेरे को बिलीव नहीं हो रहा सिंचन, मतलब भाई अगर ये बंदा गाइस हमको यहाँ पर नहीं मिलता हम तो गाइस काफी और अंदर चले जाते। अरे लेकिन बाइक तू क्यों नखरे दिखा रही है? अरे ये मंदिर है क्या? मुझे तो नहीं लगता, देखते हैं ना सिंचन चल के देख लेते हैं। भाई ये कुछ अजीब टाइप है यार, और यहाँ पर कोई बाबा बैठा है, सिंचन बाबा बैठा है भाई, सच में हम तो टोनी बाबा के पास पहुंच गए। हेलो बाबा जी क्या हाल है आपके? ये वैसे यहाँ पर कर क्या रहे गाइस? यहाँ पर इनकी रेड कलर की एक मेरे को खुलाड़ी नजर आ रही है, रेड कलर की है ना? हाँ गाइस ऊपर से रेड है, बाकी डंडा है भाई नीचे लकड़ी है सॉरी। और ये बाबा है अपने, ये टोनी बाबा है। टोनी बाबा जी आपसे मुझे काफी जरूरी बात करनी है, एक बार प्लीज आप उठोगे? अरे क्या हुआ बच्चे, मेरे पास तो पिछले दो साल से कोई आया नहीं, लेकिन तुम कैसे आए मेरे पास? बाबा जी मेरे को आपको लेके चलने कहीं पे। मैं नहीं जाता बच्चों कहीं पे जब से मेरा टोनी गुम हुआ है। टोनी? अरे लेकिन आपका नाम है टोनी भाई। अरे टोनी मेरे कुत्ते का नाम भी था, लेकिन वो गुम हो गया है तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, चले जाओ मेरे अड्डे से। अरे भैया आपको किसी पेड़ ने बुलाया है? हाँ सर आपको पेड़ ने बुलाया भाई, और वो पेड़ बोलता भी है। उसने हमसे बोला जब आप टोनी बाबा को लाओगे जब वो हमको बहुत सारा कुछ सामान देगा। क्या कहा? टोनी मेरा
टोनी मिल गया। आओ आओ मेरे साथ बैठो। ये बताओ आखिरकार मेरा टोनी तुम्हें कहाँ मिला? पिछले 100 साल से वो गुम हो रखा है। ओए सिंचन ये जो बात बोल रहे हैं सिंचन, ये तो भाई उस पेड़ की बातों से ही मैच हो रही है। अरे हाँ गाइज, उस पेड़ ने हमसे बोला था कि भाई वो पिछले 100 साल से गाइज वहाँ पर है यार, अपने घर के एरिया की तरफ। और भाई ये बाबा भी वही कुछ बातें बोले, ये बताओ मेरा टोनी तुम्हें कहाँ मिला? लेकिन आप तो बोले थे आपका डॉग है टोनी और वो गुम हो गया है। अरे मेरा डॉग था टॉमी नाम का, समझ रहे हो ना, और वो मर गया था, समझ रहे हो ना। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है उसने नया जन्म लिया और उसने लिया है पेड़ का जन्म। तो बच्चों तुम ले चलो मेरे टोनी के पास। उसने मरने से पहले मुझे ये बोला था कि अब मैं जो दूसरा जन्म लूंगा वो मैं पेड़ का जन्म लूंगा, समझ रहे हो। अरे इसका मतलब यार वो पक्का तुम्हारा डॉग ही होगा। और आपको पता है उसके अंदर यूनिक यूनिक पावर है भाई, उसने हमको गाड़ी ला के दे दी पता नहीं कहाँ से। अरे हाँ हाँ, उसने मुझे बताया था अगर उसने पेड़ का रूप ले लिया तो उसके अंदर बहुत सारी पावर भी एक्टिवेट हो जाएंगी। अब तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? चलो भाई हम बताते हैं हमारा घर किधर है। तो फाइनली गाइस अरबीन बाबा को गाइस हम अपनी लोकेशन पे तो लेके आ गए हैं। और बाबा जी नीचे आपको पेड़ दिखाई दे रहा है? पेड़ नहीं दिख रहा कहीं भी। एक सेकंड पहले आप पीछे लो अपनी गाड़ी को, समझ रहे हो। मैं आपसे बोला था यार मेरे को दिखा दो गाड़ी, मैं चला लूंगा, लेकिन आपने दिखाई नहीं। मैं अपनी गाड़ी को किसी को नहीं दिखाता। अरे बाबा जी रोका गाड़ी को, ये जो पेड़ दिख रहे हो यही वो पेड़ है। अच्छा तो ये है मेरा टोनी। अब तुम मेरे पीछे मत आना, मुझे इससे कुछ पर्सनल बात करनी है। अब मैं बातें करूंगा अपने टोनी से। चलो भाई करने देते हैं बाबा को भी बात। वैसे गाइस बाबा काफी पतले नहीं हो रहे लगता है सिंचन, ये बाबा भाई कुछ खाते पीते नहीं है। अरे इनके घर पे तो मेरे को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। हाँ सिंचन कुछ भी नहीं था भाई खाने पीने का, और वैसे भी वो इनका घर नहीं था सिंचन, मंदिर बता रहा था वो मोटा। तो लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? ये पेड़ से बातें कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? रुको गाइस पूछता हूँ। अरे बाबा जी क्या हुआ, बात नहीं कर पा रहे क्या? रुको मैं बोलता हूँ। डिस्टर्ब मत कर, मैं पेड़ से बातें कर रहा हूँ, तुझे पता है हम बातें कर रहे हैं लेकिन तुम्हें सुनाई नहीं देगी। करो भाई करो बातें करो भाई। सिंचन अब तू इधर आ फटाफट से। ये सोच सिंचन आखिरकार अब हमको इस पेड़ से क्या मांगना चाहिए यार। मैं तो काफी एक्साइटेड हो रहा हूँ यार, काश अपने पास काफी सारा गोल्ड आ जाए तो और मजा आ जाएगा। लेट्स सी भाई, देखते हैं बाबा की कब बातें खत्म होंगी। उसके बाद गाइस मैं मांगूंगा इस बाबा से काफी सारा गोल्ड और पैसा और काफी सारी सुपर कार। उसके बाद मैं खोलूंगा गाइस लॉस सैंटोस के अंदर भाई एक काफी बड़ा भाई कार का शोरूम, और फिर उसके बाद गाइस हम बनेंगे काफी अमीर इंसान। अरे वाह, इस पेड़ ने तो मेरे अंदर पावर एक्टिवेट कर दी, मैं इस पेड़ का मालिक बन चुका। अरे ये तो हवा में उड़ रहे फ्रिंगल भैया। और बच्चे तुझे जो चाहिए तू वो सोच, वो तेरे पास आएगा। 2 घंटे तक इस पेड़ ने मुझे बोला है ठीक है, मेरा पेड़ मेरा टोनी मिल चुका है मुझे, मैं तो बहुत खुश हूँ। इसने मेरे अंदर पावर एक्टिवेट कर दी है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ अब। यार वो बाबा ये बोल के गायब हुआ है कि गाइस मैं जो सोचूंगा 2 घंटे के अंदर अंदर वो मेरे पास आएगा। इसका मतलब गाइस भाई रियल में भाई मेरे पास आएगा भाई जो मैं सोचूंगा। रुको गाइस इस गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करके देखे क्या ये गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। और ये लो भाई, ये जो अपने सामने गाड़ी खड़ी थी भाई, मैंने बाबा की गाड़ी को गोल्ड के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब भाई मेरे अंदर भाई पावर एक्टिवेट हो चुकी है। सिंचन भाई पेड़ बात कर रहा है क्या? अरे अब तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई टेंशन नहीं सिंचन, कोई टेंशन नहीं भाई, पेड़ ने हमको 2 घंटे का मौका दिया है, हम जो चाहे भाई वो कर सकते हैं 2 घंटों के अंदर। हम चाहे तो अमीर हो सकते हैं, हम चाहे तो गरीब हो सकते हैं। तो लेट्स सी गाइस क्या करने वाला हूं अब मैं। आई थिंक अब मेरे को यहां पर गाड़ियां मांगनी चाहिए, मेरे सामने काफी सारी सुपर कार आ जाएं। ओ तेरी भाई, मैंने तो यहां पे गाड़ियों का मेला ही लगा दिया। इतनी गाड़ी तो गाइस शोरूम के अंदर भी नहीं होती जितनी गाड़ियां भाई इस टाइम मेरे सामने है। और भाई ये टोटली भाई सारी की सारी कार भाई ओपी वाली कार है, और साथ ही में गाइस सारी की सारी सुपर कार है, क्योंकि गाइस जस्ट मैंने बोला कि मेरे सामने काफी सारी सुपर कार आ जाएं। और देख लो भाई मेरे सामने कितनी सारी सुपर कार आ गई यार। इस एक कार की कीमत पूरी की पूरी 5 करोड़ होगी जिसको मैं चला रहा हूं, और यहां पर जितनी कार है ना सारी की सारी कारों की कीमत भाई करोड़ों में होगी। और एक सेकंड यहां पर 70 करोड़ की कार भी आई है क्या यार? ये बुगाटी कार है गाइस अपने लॉस सैंटोस में, इसकी भाई प्रॉपर 70 करोड़ है भाई कीमत। और भाई ये मेरे को 2 कार नजर आ रही है, एक कार तो ये रही गाइस जिसके अंदर अभी जस्ट मैं बैठा था, और दूसरी कार ये रही भाई ये रही। बढ़िया यार, ये तो काफी ओपी बात हो गई यार। इस पेड़ को गाइस अब हम कभी भी छोड़ने नहीं वाले, मतलब इसे भाई किससे काटने नहीं देंगे। ये पेड़ गाइस अब हमेशा हमेशा यहीं रहने वाला है, वैसे पिछले 100 साल से तो यहाँ है ही। और गाइस अब आगे भी भाई हम इसका ध्यान रखेंगे, और ये पेड़ भाई अब हमेशा यहीं रहेगा, कभी सिंचन इसको कटने नहीं देंगे भाई। ये तो काफी बढ़िया पेड़ है। और अभी गाइस अपने पास काफी सारा टाइम बचा है, अब देखते हैं गाइस मेरे को और क्या सोचना होगा। गाइस आप लोग ने काम करो, मेरे को कमेंट करके बताओ आखिरकार गाइस मैं क्या चीज सोचूं जो कि भाई मेरे पास आ जाए। जल्दी जल्दी गाइस आप लोग कमेंट करके बता दो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस? फ्रैंकलिन सिंचन आपके भाई तैयार। फटाफट गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलो गाइस प्यार वाला बाय।